अजनबी दिलों की अनकही साइलेंट लव स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़का से जो ट्रेन में बैठा हुआ कुछ पेंटिंग कर रहा था। तभी उसी के सामने वाली सीट पर एक लड़की आकर बैठ गई। लड़की ने अपनी हेडफोन निकाली और सामने पहनने लगी। लड़के की नज़र उस पर पड़ी और उससे पहली नज़र में ही उसे प्यार हो गया। लड़की भी उसे देखती ही थी कि लड़का नजरें चुरा लेता। लड़की ने हल्की सी स्माइल की और ट्रेन की खिड़की से बाहर देखने लगी। फिर लड़का भी उसे हल्की सी नजर से देखा। लड़की अपने गानों में खो जाती है और लड़का अपनी पेंटिंग में डूब जाता है। समय बीतता जा रहा था। वे दोनों हमेशा साथ रेगुलर सफर करते रहे। एक दिन लड़का अकेले ही सफर कर रहा था और वो लड़की के बारे में सोच रहा था। वो बहुत परेशान था। अचानक लड़की आ जाती है और उसे देख लड़का अपनी सीट पर बैठ जाता है। लड़की भी उसी सीट पर आकर बैठ जाती है। लड़का सर नीचे कर रहा होता है और लड़की उसे हल्की आँखों से देखती है। एक दिन लड़की को लेट हो रहा होता है और वो फोन से टाइम देखने की कोशिश करती है। उसका फोन ऑफ हो जाता है और बिना झिझक के लड़के से टाइम पूछती है। लड़का कुछ नहीं बोलता और अपने फोन निकालता है। लड़की के बगल वाला उसे टाइम बता देता है। लड़का ये सुनकर अपना मोबाइल रखता है और लड़की ये सब नोटिस कर रही होती है। फिर दोनों हमेशा साथ सफर करते रहते हैं। एक दिन लड़का नहीं आता और लड़की उसके बिना सैड रहती है। फिर लड़की दरवाजे के सामने देखती है और एक अनजान आदमी उसकी सीट पर बैठता है। लड़की दुखी होती है। लड़का अपने बाल बनाता है और सोचता है कि आज लड़की को प्रपोज कर देना है। लड़का आता है और देखता है कि उसकी सीट पर कोई और बैठा हुआ है, लेकिन उसी वक्त लड़की अपने सीट का सामान हटाकर उसे बैठने के लिए कहती है। लड़का नर्वस होता है और सोचता है कि कैसे प्रपोज किया जाए। लड़की भी कुछ सोच रही होती है। लड़का बहादुरी से लड़की को अपनी पेंटिंग दिखाता है। लड़की उस पेंटिंग को देखकर भावुक हो जाती है। फिर वो जानने को आग्रह करती है कि उस पेंटिंग में क्या है। इससे पहले कि उसे जानकारी मिले, आपको वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। लड़की देखती है कि लड़का उस दिन से जब उसे मिला था वो क्या क्या सपने देख रखा था, सब उस पेंटिंग में उसने दर्शाया है। आखिरकार उसके पेंटिंग की आखिरी पेज पर वो अपने दिल की बात लिखी है। क्या तुम मेरे साथ कहीं घूमने चलोगी, लड़की पूछती है। क्या तुम इस सब को पूछने के लिए करते हो, लड़का खामोश रहता है। लड़की फिर कहती है, वैसे मेरा नाम फ्रांसिस्का है। फिर लड़का डायरी में लिखता है और इशारा करता है कि वो गूंगा है। लड़की चौंक जाती है और साथ ही साथ सद हो जाती है। फिर लड़की लड़के की ओर देखती है और प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। ऐसे ही उनकी अनटोल्ड लव स्टोरी जारी है।